बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है बाख़बर और मैं हूँ आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, इस जदीद और तरक्की याफ्ता दौर में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जो अहमियत है वो एक मुसलमा हकीकत है और इससे कोई भी शख्स जो है वो इनकारी नहीं है। लेकिन इस वक्त जो एक बहुत बड़ा मसला दरपेश है वो ये है, खसूसी तौर पर अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में होने वाली इस वक्त किसी भी हदूद व क़यूद से बालातर वो सरगर्मियाँ हैं जो बाकायदा तौर पर एक जराइम की सी शक्ल जो है वो अख्तियार कर चुकी हैं। यानी किसी भी इदारे को किसी भी शख्सियत के बारे में जो दिल करे बयान कर दिया जाए आज़ादी इजहार राय के नाम पे। लेकिन किसी भी महजब माशरे की आप मिसाल उठा लें, किसी भी माशरे में ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है कि आप अपने ही इदारों की बेतौकीदी करें और कोई भी इल्ज़ाम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो चीज़ आपको ठीक लग रही है, जो आपको लगता है कि उसमें हकीकत है या नहीं, लेकिन आप ये समझते हैं कि आपके पास जो है वो एक ज़ुबान है, एक प्लेटफॉर्म है, आप बात कर सकते हैं तो आप वो बात कर दें। लेकिन उसके क्या असरात होते हैं, कितनी दूर तक वो असरा जाते हैं, ये कोई नहीं सोचता। तो अब हुआ ये है कि हुकूमत ने इस पर बाकायदा कानून साजिश शुरू की है, क्योंकि हदूद व क़यूद का ख्याल रखना जो है वो इस वक्त बे इंतहा अहमियत का हामिल है। अब हम देख रहे हैं कि दो रोज़ कबल की बात है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने 9 मई के हवाले से जब अपना खिताब किया तो इसी चैलेंज पर उन्होंने रोशनी डाली और इसको उन्होंने डिजिटल टेररिज्म करार दिया। ये टर्म उन्होंने इस्तेमाल की। हुकूमत वक्त अब इस पर बड़ी सूरत के साथ काम कर रही है और एक नई अथॉरिटी के क्याम की मंजूरी दी गई है जिसका नाम है डिजिटल राइट प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अब ये कैसे काम करेगी, किस तरह से मुआविन साबित होगी, हदूद व क़यूद को किस तरह से मुतय्यन करेगी और वायलेशन की सूरत में क्या क्या सजाएं या किस तरह से आगे बढ़ेगी, इस पर हम बात करेंगे आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में। मुझे मेरे पैनलिस्ट इस्लामाबाद स्टूडियो में और लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, सबको खुशामदीद कहूंगी। शनीला अमार साहब मेरे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद स्टूडियो में, डॉक्टर फारूक आदिल साहब मौजूद होंगे, बाबर गौसी साहब बहुत शुक्रिया आपका, लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद नौशाद अली साहब और सज्जाद अनवर साहब, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। शनीला, मैं प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करूँगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होने वाली बेलगाम सरगर्मियाँ अब हम देख रहे हैं कि बाकायदा एक क्राइम, एक जुराइम की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं, इसके पीछे कौन से अनासिर हैं और इससे निमटा कैसे जाए? देखें, इसके पीछे अनासिर तो वही हैं जो कि पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो नहीं चाह रहे कि पाकिस्तान में अमन कायम हो, जो नहीं चाह रहे कि पाकिस्तान में मईशत बेहतर हो, जो नहीं चाह रहे कि पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेहकाम आए, जो नहीं चाह रहे कि मुल्क तरक्की करे, वो हर वक्त मुल्क में इंतशार बदमनी देखना चाहते हैं। देखिए, आपने अपनी इंट्रो में भी कहा कि जो हमारे सिपा सलार हैं उन्होंने इसको डिजिटल टेररिज्म कहा। डिजिटल टेररिज्म इसलिए कहा कि इससे किसी की इज्जत महफूज नहीं है, किसी की जान महफूज नहीं है, मुल्क महफूज नहीं है। आप जब यहाँ पे अफवाहें उड़ाएंगे, जब आप ऐसी ऐसी मईशत को लेके ऐसी बातें करेंगे कि उसके साथ स्टॉक एक्सचेंज आपकी गिर जाएगी, सरमायाकार जो हैं वो सरमायाकारी करने से इज्तनाब करेंगे, बिजनेसमैन तबका जो है वो बिजनेस करने से इज्तनाब करेगा, तो वो आपके मुल्क की इकोनॉमी को हिट करेगा। उसके बाद जब आप वहाँ पे बैठ के मुल्क तोड़ने की बात करेंगे, जब आप कोई दूसरे सानिहात जो के साथ उनको मिलाएंगे और आप दहशतगर्दी को प्रमोट करेंगे, या जहाँ पे भी कोई ऐसा दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं उनको सराह रहे होंगे, या जो हमारे फौज के लोग हैं वो दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए शहीद होंगे और आप उनका मजाक उड़ाएंगे, तो इससे आप मुल्क की सलामती को खतरे में डालेंगे। फिर जो लोग हैं, आप इंडिविजुअल की बात कर लेते हैं, किसी सियासतदान के ऊपर, किसी सहाफ़ी के ऊपर, जिसका जो दिल चाहता है वो इल्ज़ाम लगा देता है उसके ऊपर, लफाफा सहाफ़ी होने का इल्ज़ाम लगा देंगे, या जो सियासतदान है, हमने एक पार्टी की तरफ से देखा भी कि उनके एक वर्कर को उनके एक अपने रहनुमा की गाड़ी के नीचे कुचल दिया गया, लेकिन उन्होंने उसको एक कत्ल का इल्ज़ाम एक सियासतदान के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। इसी तरह बहुत से सियासतदानों के ऊपर जो थे वो इल्ज़ाम लग रहे थे, तो ये टेररिज्म की ही टर्म में आ रहा है, क्योंकि आप इससे लोगों की जान माल इज्जत को खतरे में डाल रहे हैं। और इसका निबटने का तरीका यही है कि देखिए, आपको कानून साजी करनी होगी सख्त किस्म की, और सिर्फ कानून साजी करनी नहीं होगी, आपको उस पर अमल दरामद भी करवाना होगा। लेकिन जैसे मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब के अंदर पैनिक अलर्ट नाम का इंट्रोड्यूस करवाया है कि अगर कोई खातून है उसको हरास किया जा रहा है तो वो उसकी वहां पर शिकायत दर्ज करवाएगी, उसके ऊपर फौरी अमल दरामद होगा। तो अब इसके लिए भी जरूरी है कि जैसे ये साइबर क्राइम अथॉरिटी बन रही है, इसको पूरे इख्तियारात दिए जाएं, एक कानूनी प्रोसेस होना चाहिए। ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि आप कानून से हट के कोई काम करें, जो काम भी हो कानूनी दायरा कार के अंदर हो, लेकिन आप शुतर बेमहार भी नहीं छोड़ सकते हैं सोशल मीडिया को कि उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस ना हो। मेरा डिजिटल राइट है कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर आऊं
मैं उसके ऊपर अपना इजहार करूं, लेकिन मुझे सारी आजादी हासिल हो, ये नहीं होना चाहिए कि वहां पे आके मुझे हैरेस किया जाए, मेरे पे गालम गलोच की जाए। देखें वहां पे ना आपके नाम होते हैं ना उनकी तस्वीर होती है, ऐसे सैकड़ों अकाउंट्स होते हैं जो आते हैं आपको गालम गलोच करते हैं, आपको धमकियां देते हैं, ये मेरे डिजिटल राइट्स की वायलेशन हो रही है। तो उसके लिए कानून साजी होनी चाहिए, जहां पे जाएं हम जाके अपनी शिकायत को दर्ज करवा सके, फौरी अमल दरामद होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि फिर वो लंबा एक प्रोसेस हो, चलता रहे और तंग आके बंदा अपनी शिकायत वापस ले ले, ये काम नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, डिजिटल टेररिज्म को अगर मैं चाहूँ कि आप उसको डिफाइन करें, जिस तरह से हमारे सिपा सालार ने भी इस पर बात की, ये किस कदर बड़ा चैलेंज है हम जैसे मुल्क के लिए भी, जहाँ पर पहले ही बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं और जहाँ पर ये अफवाह, प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ एक बड़ा मौलिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके साथ क्या महजब माशरों में इस तरह की डिजिटल टेररिज्म की आज़ादी होती है? और ये जो एक तहकीकती इदारा बना है, अब एक और पहले तहकीकती इदारा मौजूद है, नई अथॉरिटी के क़याम की आपको लगता है क्यों ज़रूरत महसूस हुई हुकूमत को? नाजिया, एक हमारे यहाँ उर्दू में मुहावरा है, काता और ले दौड़ी। ये क्यों मुहावरा है? ये मुहावरा दरअसल ये जो हमारी गपशप होती है घरेलू या फैमिली में, दोस्तों में, वो ये है कि कहीं किसी ने एक शहद दीवार पे लगा दिया, एक शोशा छोड़ दिया, और उसके बाद हमने वो बात सुनी, तस्दीक की, नहीं की, उसके असरात पे गौर किया, किसके इससे आप पगड़ी उतर जाएगी, किससे उसकी फैमिली तबाह हो जाएगी, हम इस पे तवज्जो किए बगैर हम इसको उड़ा देते हैं। और इससे क्या होता है, सोसाइटी में फसाद पैदा होता है। कुरान की इस्तिलाह है फसाद फिल अर्ज पैदा करना, तो ये फसाद फिल अर्ज पैदा हो जाता है, एक इसका पहलू ये है। दूसरे, हमें हुक्म क्या दिया गया, मैं दीन के उसमें बात कर रहा हूँ, हमें हुक्म दिया गया है कि कोई शख्स सुनी सुनाई बात को बगैर तस्दीक किए अगर आगे बढ़ा देता है तो वो हम में से नहीं है। बिल्कुल, तो वो हम में से नहीं है तो क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप मुसलमानों की जमात से खारिज हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये है दूसरा पहलू। अब आप समझ लें कि ये जो डिजिटल मीडिया, जिस आप अथॉरिटी की बात कर रही हैं, उसकी ज़रूरत की बात कर रही हैं, दो हैं इसके पहलू, अगर इन दो पहलुओं पे गौर कर लें तो उसकी तारीफ मुतय्यन हो जाएगी। नंबर एक, हम 35 साल से टेररिज्म का शिकार हैं बहुत सारी वजूहात से, और जिसके खिलाफ हम जंगे लड़ते रहे हैं, वार ऑन टेरर भी और बहुत सारी और हमने जंगे लड़ी। तो इन जंगों में ये जो सिस्टम है आपका सोशल मीडिया का, ये कम्युनिकेशन के टूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। आपको नहीं पता कि क्या आकाशन दे दिया गया, जिस तक पहुंचना था पहुंच गया और उसने जो करना था कर दिया, इस पर खुद को शमले हुए हैं, इस पर बहुत सारे सेंसिटिव मकामात पर बम फोड़े गए हैं, हलाकतें हुई हैं, बेशुमार नुकसान हुआ है। एक तो ये है कि ये कम्युनिकेशन सिस्टम है टेररिस्टों का, और ये इस वक्त भी जिस तनाजुर में हम बात कर रहे हैं उसमें भी इसको इस्तेमाल किया गया है। और दूसरा पहलू इसका वही है जिसको हमने कुरान की रोशनी में समझने की कोशिश की, डिसइंफॉर्मेशन। मैं आपको एक वाक्या बताना चाहता हूँ 91-92 का। मैं उस वक्त कराची में जर्नलिस्ट था, तो एक सहाफ़ी एडिटर थे मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब, तकबीर के एडिटर थे, इनको तौहीने रिसालत का मुर्तकिब करार दिया एक अखबार ने, शाम के एक अखबार ने करार दे दिया। अब इनका वीकली था, ये जवाब नहीं दे सकते थे, उसकी यानी फ्रीक्वेंसी का फ़र्क था। उनके घर को नजर आतिश कर दिया गया, कोशिश की गई कि जब घर जलाया जाए तो घर के जो लोग हैं वो भी जल जाएं। वो तो पड़ोसियों की मेहरबानी थी कि उन्होंने ख्वातीन को, दो बच्चियां और एक उनकी अहलिया, उनको घर से निकाला और सलाहुद्दीन साहब घर में नहीं थे, यूं वो बच सके। अब आप ये देखें कि फैज़ाबाद पर जो धरना था वो किस बात पर हुआ? क्या कोई तौहीने रिसालत हो गई थी? क्या कोई तौहीने रिसालत के खिलाफ पाकिस्तान में कानून बन गया था? बिल्कुल नहीं बना था। क्या हुआ था? एक चीज़ को गलत रुख दिया इसी सोशल मीडिया के ज़रिए इन्हीं लोगों ने, यही सियासी लोग थे और इन लोगों ने ये कहा, और इन सियासी लोगों का जो लीडर है उसने ये कहा कि मेरा जी चाहता है कि मैं फैज़ाबाद के धरने में जाके बैठ जाऊँ। तो वो क्या कर रहे थे? वो इन चीज़ों को डिस्टॉर्ट कर रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे,
और ख़ास तौर पर जैसे हम बहुत गुनाहगार मुसलमान हैं लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत गैर मामूली है, हम सब जितने भी गैर हम जितने भी गुनाहगार हैं लेकिन आपकी ज़ात से हमारा ताल्लुक बहुत गहरा है, मिसाली ताल्लुक है। तो हम वाकईतन गैरत का शिकार होते हैं, वाकईतन हमें गुस्सा आता है अगर आपकी ज़ात के साथ कोई ऐसी चीज़ मुंसलिक की जाए, लेकिन अगर झूठ बोला जाए और झूठ बोल के आप फसाद फिल अर्ज क्रिएट करें तो ये जुर्म है। उसकी इजाज़त तो ये है आपका, सो ये इस तरह का सोशल मीडिया और इससे ये नुकसान हो रहा है, तो इनको किसी हदूद व कयूद में लाने की ज़रूरत है। सिर्फ ये थोड़ी हो रहा है, ये भी तो हो रहा है कि आप लोगों को ज़ाती तौर पर उनको कत्ल की धमकी देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल रेप की धमकी देते हैं, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अब इसको किसी कायदे में लाने की ज़रूरत है, इसलिए ये इदारा बनाया जा रहा है। हम तवक्को रखते हैं कि आज़ादी इजहार का ख्याल रखते हुए इस नेगेटिव पहलू को जो दहशतगर्दी के टूल के तौर पे इस्तेमाल होता है इसका कला कम है। बाबर साहब, जो मुझे डॉक्टर साहब की बात से समझ में आ रही है, दो चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं। एक तो ये है कि महज़ब माशरे का हर शख्स जो है वो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कैसे करता है। दूसरा ये कि बींग अ मुस्लिम भी मुझ पर एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि मैं जब इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रही हूँ जो मेरे इस्तेमाल में है, तो मुझे देखना है कि मैं उन हदूदों को यूद का खुद भी ख्याल रख रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मुझ पर कोई पाबंदी लगाई जाए या मुझे हदूदों को यूद समझाए जाए, तो ये तो दोहरी जिम्मेदारी है। तो हम बहसियत कौम, बहसियत मुसलमान इस दोहरी जिम्मेदारी को महसूस क्यों नहीं करते? देखिए नाज़िया, जब हम बात करते हैं ये सोशल मीडिया की और ये डिजिटल जितना भी मीडिया है उसके के जो उसको कहा जा रहा है कि जी ये टेररिज्म के तौर पे इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल ये उसके तौर पे इस्तेमाल होता है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि गैरत के नाम पे सोशल मीडिया पे आपकी कोई फुटेज ऐसी पेस्ट कर दी जाती है, पोस्ट कर दी जाती है, जिसकी वजह से आपकी पूरी फैमिली को लोग गैरत के नाम पे कत्ल कर देते हैं। और आजकल तो आपने देखा है कि सबसे आसान काम किसी को भी जो है वो क्या कहते हैं डिसरिस्पेक्ट करने का या मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करने का सबसे आसान टूल जो है वो इस वक्त डिजिटल मीडिया है। और डिजिटल मीडिया ही की वजह से आपने देखा है कि अब जो तमाम की तमाम जितनी भी दुनिया है उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है कि जी प्रोपेगंडा जो है उसको कैसे करना है, प्रोपेगंडा को रोकना कैसे है, इन चीज़ों को बेहतर कैसे करना है। दुनिया में इसके कवानीन हैं, आज से पहले जो डिजिटल मीडिया लेकर आए हैं पूरी दुनिया में, आज भी अमेरिका में उसके कवानीन हैं। लेकिन जब डिजिटल मीडिया नहीं था तो उस वक्त भी वाइट कॉलर क्राइम हुआ करते थे। आपको याद होगा कि बैंक्स में से बहुत से लोग जो हैं वो पैसे निकलवा लेते थे, और क्योंकि उस वक्त नया नया डिजिटल दौर था तो ई बैंकिंग का दौर था, और इसके अलावा भी बहुत से जुराइम किया करते थे। जिस तरह एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है वो जिसे हम पीसी कहते हैं, फ़ोटो पेस्ट करके किसी दूसरे की दूसरा शख्स जो है वो उस वो ट्रैवल कर लेता था। तो इसलिए उस वक्त जो चीज़ें थी वो आसान थी, उनको कंट्रोल करना आसान था, एक दो तीन चार थी सबको पता था। अब डिजिटल मीडिया पे एक शख्स जो है अमेरिका में बैठा है, एक पाकिस्तान में बैठा है, एक यूरोप में बैठा है, एक हमारे हमसाए ममालिक में बैठा है, तो वो जो मर्ज़ी पेस्ट कर देता है या पोस्ट कर देता है, तो उसको रोकने के लिए अब कवानीन किस तरह के बनाने चाहिए। और दूसरा ये है कि क्या जो जितना भी डिजिटल मीडिया है जिसकी हम रोज़ बात कर रहे हैं उसको सबसे मेन मसला यह है कि रेगुलराइज कैसे करना है। उस रेगुलराइज को करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी, क्या हमें उनकी किस तरह कंपटीशन में जाना होगा, उनके जितने भी जहां से वो इसको बैठ के मॉनिटर कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, और जहां से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, उस क्या हमारे पास उसकी एक्सेस है, क्या हमारे पास इतने टूल्स हैं, क्या हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है। जिस तरह भी ये इदारा बना दिया गया है, इदारा तो पहले जिस तरह आपने इंट्रो में कहा कि इदारे तो पहले भी थे, FIA का अपना एक साइबर क्राइम का है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का जो है वो साइबर का है, तमाम मिनिस्ट्रीज़ में हैं। तो इसलिए आप देखें कि साइबर क्राइम जो है वो इससे पहले भी होता रहा है, लेकिन बात यह है कि इसको सही कैसे करना है, इसके लिए जो इदारा बनाया जा रहा है, कानून साजी क्या करनी है और कानून साजी में क्या क्या सज़ाएँ रखनी है, इनके कोर्ट्स अलहदा होने हैं, इनको ये तमाम लोगों पे इम्प्लीमेंट होगा। और आप देखेंगे कि कई ऐसे भी बेगुनाह भी होंगे जो इसके कटहरे में ना आ जाएं, तो इसलिए कानून साजी करते वक्त ये तमाम चीज़ें जो हैं बारीकी से चीज़ों को देखना पड़ेगा। और दूसरा जिस तरह आपने कहा एज ए मुस्लिम तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल भी है और सारी चीज़ें हैं कि किसी को आप अज़ियत ना दें, आप बल्कि पर्दापोशी करें और सारी चीज़ें करें। उस पर तो हम
अमल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आजकल के डिजिटल मीडिया का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्यों है ये, सही कहा आर्मी चीफ ने कि ये इस वक्त डिजिटल जो टेररिज्म है उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो तमाम कंपनीज़ हैं वो अब आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। उस उन्होंने कंटेंट नहीं देखना उस पर क्या है, उस पर आपने देखा है कि गजा की तस्वीरें भी लगती हैं, उसके ऐसी ऐसी चीज़ें भी, बेहुदा चीज़ें भी चलती हैं उसमें। आपने देखा है कि ऐसी ऐसी चीज़ें चलती हैं कि जो कहते हैं कि जी ये आम बंदा देख भी नहीं सकता, उसमें ऐसी वीडियोस ये वो, इन तमाम चीज़ों को, फिर मूवीज़ ऐसी चलती हैं कि उनको किसी मुसलमानों के ख़िलाफ़ होती है, ईसाइयों के ख़िलाफ़ होती है, मज़ाहब के ख़िलाफ़ होती है। इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटी तो बना दी गई है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और अथॉरिटी का ये काम है कि इंटरनेशनली कैसे कनेक्ट होते हैं। जब भी आपने देखा, अथॉरिटी जब काम शुरू करेगी, जी हाँ, मौसर होगी, बिल्कुल बहुत मौसर होगी, लेकिन इसको जितने इंटरनेशनल इदारे हैं उनके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी ये सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ आपसे इसमें मैं चाहूँगी कि आप इसमें ऐड कीजिएगा कि जब हम डिजिटल टेररिज्म की बात करते हैं और हम देखते हैं कि प्रोपेगेंडा भी अरूज पर है, फेक न्यूज़ भी है, फिर हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से जिसका जो दिल करता है कौमी इदारों को जो है वो मलाइन करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, तो इससे हमारा अपना इमेज भी तो ख़राब होता है। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि वो उस इदारे के लिए भी वो उसको भी वो उसके जो मॉरल है उसको भी हम डाउन कर रहे होते हैं, डीमोरलाइज कर रहे होते हैं अपने इदारों को? दो पहलू हैं ना, देखिए, जैसे हमारा डिफेंस का इदारा है, हमारी अफवाज हैं, हमारी अफवाज जो हैं इनके साथ हम कोई सियासी सतह पे इख्तलाफ कर सकते हैं, और अब यानी माजी में इख्तलाफ खुद जनरल बाजवा ने किया, मौजूदा जो इस वक्त रजीम है वो माजी के फैसलों को कंडम कर रही है, ये अलग बात है। लेकिन ये हमारे पहली डिफेंस वॉल है, ये हमारे डिफेंस का इदारा है जो जान कुर्बान करता है, और वो कौन है, वो हमारे हम में से है, हमारे बहन भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, तो हम में से हैं, वो हम हैं, तो हम उनको डिफेम नहीं कर सकते। और जो जान कुर्बान कर रहा हो इस मुल्क की सलामती के लिए, उसको हम गाली कैसे दे सकते हैं? तो एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू ये है कि जब आप एक मुनज़्ज़म प्रोपोगंडा और एक बेरहम प्रोपोगंडा और ये न देखते हुए कि हम अपने मुल्क में बात कर रहे हैं या मुल्क से बाहर किसी दुश्मन के लिए बात कर रहे हैं, आपकी वही ज़ुबान हो जो दुश्मन के लिए है और वही ज़ुबान अपने लिए इस्तेमाल करें, तो फिर आपके यानी ये तकलीफ़ होती है ना कि यार ये हम इस कौम को डिफेंड कर रहे हैं। Exactly. और इस कौम का एक तबका जो है उसकी जुबान पे ये आ रहा है, तो एक तकलीफ होती है, दुख होता है, उससे बचने की जरूरत है। मैं लाहौर चलूंगी और बात करेंगे मोहम्मद नौशाद साहब से। नौशाद साहब, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन का एक तूफान है, इसको देखने के लिए हदूदो क्यूद के तायुन के लिए अथॉरिटी के क्याम की मंजूरी दी गई है। सर, आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको फुलफिल करना और इसको डिफाइन करना आसान होगा हुकूमत वक्त के लिए? ये बहुत बड़ा काम है और मुश्किल भी। देखिए, शुरू में तो यकीनन इसके अभी मामलात तय करते करते बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि अगर जो एफआईए का साइबर क्राइम विंग था या साइबर क्राइम की जो पहले कंप्लेंट्स हमारे सामने आ रही थी और जो कुछ गुज़िश्ता चंद साल में इस मुल्क के दौरान हमने देखा है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पे, देखिए दहशतगर्दी क्या है, दहशतगर्दी दहशत फैलाना है, और हमारे यहाँ सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के जरिए ये दहशत फैलाई गई है टू एन एक्सटेंट के मैं उन तमाम लोगों को जानता हूँ, उन माहिरीन को, उन सहाफ़ियों को, उन प्रोफेशनल जो जिसे कहते हैं कि बहुत जो नामवर लोग थे, उनको उनकी बात कहने से रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि उन लोगों की बात जो थी, जो एक्चुअली असल हकीकत सामने लाती थी, उन लोगों को बैकफुट पे धकेल दिया गया, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो मिलकर किसी जमात की तरफ से या कोई ग्रुप की तरफ से, किसी की तरफ से वो मिलकर ऐसा एक जिसे कहते हैं ना कि गालम गलोच का एक ऐसा तूफान बरपा करते थे कि लोग अपनी इज्जतें बचाकर भागने में मजबूर थे और लोग सोशल मीडिया से जान छुड़ाना शुरू कर दी, लोगों ने उस पर बात करना बंद कर दी। बहुत सारे लोग अभी भी सोशल मीडिया पर इसलिए बात नहीं करते कि वहाँ पर आप कोई ठीक बात करने की कोशिश करेंगे या किसी की बात को चैलेंज करेंगे और उसे हकीकत बताने की कोशिश करेंगे, फेक न्यूज़ को की हकीकत बताने की कोशिश करेंगे, तो आप पे एक जैसे कहते हैं ना कि सैकड़ों के हिसाब से लोग आपको जो है ना आप पर छोड़ दिए जाते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि आप जो है वो अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। सो यही वो दहशतगर्दी और दहशत का तरीका था जिसके बारे में हमारे सिपा सलार ने बात भी की है, डिजिटल टेररिज्म की जो इस्तलाह है वो सामने लाए हैं।
अब ये जो अथॉरिटी है अल्टीमेटली जब ये बनेगी इसके पास चैलेंजेस बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे मामले इसके साथ साथ इसमें ये जो इंश्योर करना है कि आजादी इजहार राय पे कदगन ना आए, ये एक बारीक नुक्ता है जिसके ऊपर जो है ना वो एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जिसमें लोगों को ये बात समझाई जा सके कि मेरी जो आजादी जो मुझे आजादी दी गई है इजहार राय की, वो ये नहीं है कि मैं लोगों की जो है ना आजादी सल्ब कर लूं या मैं लोगों को जो है ना उनके ऊपर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हो जाऊं, उनके उस दहशत गर्दी में इन्वॉल्व हो जाऊं कि जिसके जरिए कोई किसी शख्स की जान माल और उसकी खानदान जो है वो उसकी जिंदगी स्टेक पे लग जाए। सो ये जो ये अवेयरनेस ये पैदा करना ये इन चीजों के ऊपर कानून इस तरह से बनाना कि जो लोग इस काम में मुलव्वस हैं या जो लोग ये वाकयातन करने की कोशिश करते हैं प्लान तरीके से या ये इसका ईंधन बनते हैं, वो उन लोगों को इस काम से रोका जा सके और आम आदमी जो बात कहना चाहता है जिसके लिए सोशल मीडिया डिजाइन हुआ डेवलप हुआ कि आम आदमी की राय उसके ऊपर भी सामने आ जाए। राय का मतलब गालम गलोच बदतमीजी बद तहजीबी कभी भी नहीं हुआ करता, ना ही आज़ादी का ये मतलब है। आज़ादी का मतलब ये किसी सूरत नहीं है कि किसी दूसरे की आज़ादी सल्ब की जाए। तो इस पैरामीटर्स के साथ काम करना ये अभी जरा बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इसका जो एक बहुत बड़ा फायदा जो होगा वो ये होगा कि जिन जिन प्लेटफॉर्म्स की हम बात करते हैं उन प्लेटफॉर्म्स के पाकिस्तान में ऑफिसेज नहीं है, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो उनको डील कर सके, उनके ऑफिसेज पाकिस्तान में बनाए जाएं ताकि उनसे रोजमर्रा की बुनियाद के ऊपर उनको ये बात समझाई जाए। बहुत से ऐसे मामलात हैं जिसके बारे में वो एक जनरल अमूमी जिसे कहते हैं ना कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। अब अमूमी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो हमारे इंडिजिनस जो हमारे यहाँ के लोकल मामलात हैं उनको वो समझ नहीं पाते, उसमें कुछ चीज़ों की पाबंदी गलत लगा देते हैं, कुछ चीज़ों की पाबंदी जो है वो है ही नहीं, जिसकी वजह से आप जो है उनसे प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उनको समझा नहीं पाते, जिसका नतीजा ये है कि लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं और फ़ायदा उठाकर उन चीज़ों से लोगों को जो है ना नुकसान पहुंचाते हैं। सो इस अथॉरिटी के क्याम के बाद एक बहुत बड़ा मामला ये भी होगा कि इस तरह के तमाम प्लेटफॉर्म जो हैं उनके दफातर जो है पाकिस्तान में बनाए जा सकेंगे। जब उनके दफातर पाकिस्तान में होंगे तो अल्टीमेटली हमारी लोकल अथॉरिटीज लोकल लॉज के तहत भी चीज़ें आगे बढ़ सकेंगी, उनको ये समझाया जा सकेगा कि पाकिस्तान में ये चीज़ जो है ये गलत कहलाती है, ये बहुत से हमारे जिसे कह लीजिएगा हमारे इस्लामी मामले के अंदर दीनी मामले के अंदर हमारे अखलाकी मामले के अंदर हमारे जो यहाँ के जो माशरती मामलात के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मगरब से या उन कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक दुरुस्त नहीं है, या बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ दुरुस्त हैं वो वहाँ पर उनके कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स पर पूरा नहीं उतरती, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये रहता है। तो इसको कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करके उसको प्रॉपर जो लोगों के लिए आवाज़ बनने की जो एक्चुअल बाई डिफॉल्ट उसकी प्रॉपर्टी है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ये आम आदमी को वो आवाज देते हैं जो इसका ओरिजिनल मकसद है, उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में मदद मिलेगी। बिल्कुल ठीक सजाद साहब, ये बैलेंस कैसे क्रिएट होगा सर, ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी? अभी हुकूमत ने डिजिटल राइट्स की बात शुरू की है और इस पर हम देख रहे हैं अथॉरिटी के कयाम की मंजूरी आई है, लेकिन कुछ अनासर इस पर अभी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को रेगुलराइज करने का मकसद ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कदगन लगाई जा रही है। तो सर ये जो लाइन है जिसकी अभी बात कर रहे हैं नौशाद साहब, इसको कैसे ड्रॉ किया जाएगा और ये क्या आपको लगता है बहुत मुश्किल काम होगा या इसको डिफाइन करना इतना मुश्किल नहीं होगा, बताया जा सकेगा कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है और ये बियॉन्ड द लिमिट है? देखें ये एक बहुत बुनियादी और ज़रूरी सवाल है जो नाज़िया साहब आपने रेज़ किया है कि बाज़ औक़ात हम ये करते हैं कि जब कुछ चीज़ों को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं तो उसके नतीजे में जो सेहतमंद आवाज़ें होती हैं उनको भी दबा दिया जाता है। तो इसका ख़ास तौर पे एहतियात करनी चाहिए। एक तो सियासी आलूदगी फैलाने वाले अनासर हैं एक तरफ, लेकिन कुछ लोग जो डिजिटल राइट्स की बात करते हैं, जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदारे हैं जो डिजिटल राइट्स पे काम कर रहे हैं, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए गवर्नमेंट को और उनके साथ मिलके एक पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि वो एक उस पॉलिसी के ऊपर एक इत्तफाक राय हो, पहली बात। दूसरा सवाल एक और है, वो ये है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल कंटेंट की बात नहीं है, ये हमारा फोकस तो उस टेररिज्म की तरफ है जो पहले समाजी टेररिज्म था, अब सोशल टेररिज्म बन गया और उसका
शिकार हमारे अदारे तो बाद में हुए हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारे आज़ाद सहाफ़ी, बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारे लोग जो हैं वो पिछले कई सालों से इन सारी चीज़ों का शिकार हो रहे हैं। और अल्टीमेटली आज वो अटैक जो था, जो पहले एक आम आदमी पे था, आम जर्नलिस्ट पे था, अब वो स्टेट के ऊपर ऑफेंस शुरू हो गया है। तो आर्मी चीफ साहब ने राइटली इसको इसकी निशानदेही की है कि ये एक सोशल मीडिया या डिजिटल टेररिज्म है। इसको रोकने के लिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं पाकिस्तान में, जिनकी इंटरनेशनल रेप्यूट है, वो अदारे जो डिजिटल राइट्स पे काम कर रहे हैं उनको भी शामिल करें, जर्नलिस्ट कम्युनिटी को भी शामिल करें। और फिर जो सबसे बड़ा एक और फ्रॉड हो रहा है ना, एक नई और टेररिज्म हो रही है, वो हो रही है फाइनेंशियल टेररिज्म सोशल मीडिया के ज़रिए। बैंकिंग फ्रॉड्स हो रहे हैं बहुत बड़े बड़े, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करती वो सोशल मीडिया के ज़रिए मिलियंस का कारोबार कर रही हैं, लोगों को एक तरह से बेवकूफ़ बना के उनसे पैसे छीन रही हैं। और फिर आपका व्हाट्सएप इस्तेमाल होता है फेक कॉल्स के लिए, बाज लोग आपके रिश्तेदार बन के आपको कॉल करते हैं, लेकिन आम लोगों के पास कोई इसका कोई सिवाय इसके कि वो FIA के साइबर क्राइम विंग वालों के पास जाते थे, वो कहते थे जनाब अब तो वो नंबर ही बंद हो गए, हम क्या कर सकते हैं। ATM के बहुत सारे फ्रॉड्स हुए जिनको हम ट्रेस ही नहीं कर सके अभी तक। तो बेसिकली ये काफ़ी पेचीदा चीज़ें हैं ये सारी डिजिटल सिक्योरिटी की और डिजिटल अपने आप को और अपने शहरियों को और अपने अदारों को इस ऑफेंस से बचाने की। उसके साथ साथ हमें ये भी नहीं करना चाहिए कि हम जब ये करते हैं ना कि एक ख़ास इलाके में जब ख़तरा होता है तो टेलीफोन लाइंस बंद कर देते हैं या कोई ऐप बंद कर देते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर है कि हम इस अथॉरिटी को बनाने पे बेशक थोड़ा सा टाइम ले लें, लेकिन इसको इतनी एक मुअस्सर अथॉरिटी बनाएं जिससे हम अपने लोगों के राइट्स जो हैं उनको महफूज बना सकें। और ये भी ना हो कि कोई कहे कि पाकिस्तान में कोई आमरियत है, तो ये एक बहुत मुश्किल बात है, लेकिन इस सबको करने की ज़रूरत है और ये करनी चाहिए। रह गई बात वो एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी की, तो देखें वो अगर सोशल मीडिया ना भी हो तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए भी अपनी सियासी टेररिज्म की और सियासी आलूदगी फैला रहे हैं। वो आज आपने देखा ही गवर्नर KP और वजीर आला KP का जो एक कॉन्फ्लिक्ट था उसमें भी आप देख रहे हैं। उस इस तरह हमारी यूथ को पॉइजन करने के और भी तरीके हैं। तो हमें एक सेहतमंद सोसाइटी के तौर पे इन सारी चीज़ों को फेस करना है। जो भी कवानीन बनाने हैं वो इस तरह के बनाने चाहिए ताकि उस पर कम से कम उंगलियाँ उठें और उसका वो ज़्यादा से ज़्यादा मुअसर भी हों। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सजाद अनवर साहब, आपका टेक आ गया इस पे। प्रोग्राम के हम दूसरे हिस्से की जानिब नाज़रीन बढ़ना चाह रहे हैं और इस हिस्से में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं अक्वामे मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को मुकम्मल रुकनियत देने के लिए जो रेजोल्यूशन पास की है उस हवाले से, गज़ा और रफा क्रॉसिंग पे जो इस वक्त इसराइली बर्बरियत जारी है वो पूरी दुनिया के इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पूरी दुनिया देख रही है कि 34,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं, ख़वातीन इसमें शहीद हुई हैं, बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद है और मलबे तले लोग जो अभी दबे हुए हैं उनका अभी कोई हिसाब किताब नहीं है। जो रेजोल्यूशन पास हुई है कसरत राय से उसमें 143 वोट आए हैं फलस्तीन की हिमायत में, जबकि 9 वोट ऐसे हैं जो कि उसके मुखालिफत में आए हैं। खैर ये रेजोल्यूशन अब पास हो चुकी है, लेकिन अब देखना यह है कि व्हाट नेक्स्ट, इसकी क्या अहमियत होगी, क्या असरात मुरतब होंगे और क्या ये तमाम तर सूरत हाल जो इस वक्त हम गजा में देख रहे हैं बर्बरियत बढ़ती हुई इसका कोई तदारुक हो सकेगा। मदावा तो ज़ाहिर है मुमकिन नहीं है, इतनी बड़ी इतनी तादाद में जाने दी जा चुकी हैं, लेकिन क्या ये जो सिलसिला है इसको दुनिया रोकने में कामयाब हो पाएगी और क्या फ़लस्तीन की आवाज़ इससे मज़ीद मौसर होगी रुकनियत के बाद, इस पर हम बात करेंगे। शनीला, अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की इस पेश करदा रेजोल्यूशन की आपकी नज़र में क्या अहमियत है, कैसे देख रही हैं और इससे जो मज़लूम फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद है उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, एक तो जितनी बड़ी तादाद में लोगों ने ममालिक ने हमायत की है ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि बहुत ये एक 143 के करीब जो ममालिक हैं उनको इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि फ़लस्तीन के अंदर जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है, वो भी एक दहशतगर्दी ही है। देखिए, गज़ा जो है वो एक इंसानी अलमिया बन चुका है, 75 साल से वो लोग अपनी आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं,
वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग मैसूर हुए हैं। अभी जो रिसेंटली जो ये वाक़ात हो रहे हैं, इसमें ना स्कूलों को छोड़ा गया, ना हॉस्पिटल्स को छोड़ा गया है, ना बच्चों को छोड़ा गया, ना औरतों को छोड़ा गया। हज़ारों सैकड़ों की तादाद में लोग शहीद हो चुके हैं, हज़ारों की तादाद में लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। और अगर आप देखें तो दुनिया भर में जो अवाम हैं, अगर हुकूमतें नहीं भी उस वक्त उनके साथ, लेकिन दुनिया भर में अवाम उनके साथ है। हम देख रहे हैं कि अमेरिका, लंदन, यूरोप, इन ममालिक के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अभी स्पेन में इलेक्शन हो रहे हैं, तो बहुत से वहाँ पे जो लोग थे वो ये बात कर रहे थे कि हम इस पार्टी को इसलिए वोट डालेंगे कि इन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद की। यानी कि सियासी तौर पे दुनिया पे इसके बड़े असरात मुरतब हो रहे हैं कि आगे जिन जिन ममालिक में इलेक्शन होंगे वहाँ की आवाम ये देख रही है कि किस किस ने फ़लस्तीन और गज़ा के लिए आवाज़ उठाई है, हम उसको वोट देंगे। बिल्कुल ठीक। अगर फ़लस्तीन का देखे हाल वही है जो पहले से हम सब कह रहे हैं कि अगर आप टू नेशन उसकी तरफ चले जाए, हल की तरफ चले जाए, जो पहले से बात हो रही है कि दो रियासतें कायम की दी जाए, फलस्तीन की अपनी एक आज़ाद खुद मुख्तियार रियासत कायम कर दी जाए जहाँ पे वो अपनी आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, तो ये मशरक़ वुस्ता के अंदर जो है ना ये मामला हल हो सकता है। लेकिन इसराइल जो है वो वहाँ पर एक दहशतगर्द बन चुका हुआ है जो चाह रहा है कि मैं कंट्रोल कर लूँ पूरे मशरक़ वुस्ता को, इस वजह से वो ये अपनी कार्रवाइयाँ जो है वो जारी रखना चाहता है। अब ये भी अच्छी बात है कि अमेरिका ने इस चीज़ को भी नोटिस लिया है कि जो असला दिया जा रहा है वो आप फलस्तीन पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सवाल तो उसका भी नोटिस लिया गया और ये भी सवाल अब उठाए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो करारदाद है आगे जाकर अगर सलामती कौंसिल में भी वो मंजूर हो जाते तो उसके बड़े मुस्बत असरात फलस्तीन के लिए साबित होंगे। और दुनिया जिस तरह अब इस मामले के ऊपर इकट्ठी हो रही है और एक बड़ी तादाद में उनकी फेवर में ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं, तो आने वाले दिनों में लगता है कि इससे कोई बेहतरी की सूरत हाल जो है वो सामने आएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने जो रेजोल्यूशन पास की है, क्या ये एक तसल्ली के तौर पर ही काम करेगी या आपकी रियल सेंस में आपको कुछ उसकी इफेक्टिवनेस भी नज़र आ रही है? अच्छा, ये जो इफेक्टिवनेस का मामला है ना, ये तो एक टेक्निकल सवाल है। टेक्निकल सवाल इस तरह से है कि जनरल असम्बली ने करारदाद मंजूर कर ली, अभी आगे सलामती कौंसिल मौजूद है और सलामती कौंसिल में आपको मालूम है कि फिर वो वीटो पावर्स भी मौजूद हैं और इससे पहले भी वो हो चुका, तो ये तो होगा। लेकिन ये एक इटसेल्फ एक बड़ा वाक़ा है। क्या वाक़ा है? उन फलस्तीनी लोगों ने, गजा के लोगों ने अपनी जान पर खेल कर दो बातें साबित कर ली, बल्कि दुनिया से तस्लीम करा रहे। नंबर एक, इसराइल जो है वो टेररिस्ट है, गैर जिम्मेदार रियासत है, इंसानियत को उससे ख़तरा है। एक बात ये तय उससे तय हो गई। और ये क्या, और इसका इम्पेक्ट क्या हुआ आलमी ज़मीन पर कि आप ये देख रहे हैं कि सिर्फ 9 वोट जो है इसकी फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनीत की मुखालफत में आए हैं और अक्सरियत उसके साथ खड़ी है। तो ये है उसका। अब जो अगला इम्पेक्ट आए वो ये है कि आप ये देखते हैं कि गज़ा की सिचुएशन से पहले एक हमें कैंपेन दिखाई देती थी इसराइल को तस्लीम करने के बारे में। तो इसराइल को तस्लीम करने का मतलब वही है जो अभी शनीला ने कहा कि दो रियासती हल है ना, कि कोई ना कोई सूरत बन जाए, उस पर चीज़ निकल आए। लेकिन गज़ा में कुर्बानियाँ देकर फ़लस्तीन के लोगों ने, 35,000 लोगों ने और हज़ारों बच्चों ने और हज़ारों ख़वातीन ने और बुज़ुर्गों ने अपनी जान कुर्बान करके, अपना माल तबाह करके, अपने घर तबाह करके, ये ऑप्शन ख़त्म कर दिया है कि कोई दो रियासती अब हल बनेगा, अब फ़लस्तीन की बात होगी। तो उसके नतीजे में अब ये हो गया है और अब कोई इसराइल को तस्लीम करने की बात अब उस तरह से नहीं होगी जैसी हमारी सोसाइटी में दाखिल की जा रही थी। अब ये नहीं होगा, अब फ़लस्तीन के हक़ की बात होगी। और ये भी इम्पेक्ट बहुत बड़ा आया जो अमेरिका के अंदर हमने ये देखा और दुनिया के दीगर ममालिक में कि जामियात में, यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट जो हैं वो खड़े हो गए, फिर दीगर लोग खड़े हो गए। और आज वो जो अमेरिका उसकी पुश्त पे नज़र आता था फ़लस्तीन की, उसको असले की फरहमी रोकनी पड़ी। ये राय आमा का प्रेशर है, ये उनकी कुर्बानियों का प्रेशर है और यही यूँ समझिए कि सारे मामले का जो मुस्बत पहलू है ये सामने। ठीक, वापस कौशल साहब, डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं प्रेशर की, तो जो प्रेशर जो बिल्डअप होता हुआ नज़र आ रहा है हमें, आपको लगता है इस प्रेशर के ज़ेर असर हमें नज़र आएगा इसराइल भी और फिर जल्दी हम इसका कोई हल भी देखेंगे, कम से कम वहाँ जंग बंदी हो सके? क्योंकि जो भी जंग बंदी की करारदाद है या तो वो वीटो हो जाती है या वो रद्दी की टोकरी में चली जाती है, वो खातिर में लाता ही नहीं है इसराइल। तो ये प्रेशर बिल्डअप हो रहा है उस पर?
देखें, जो इकवाम मुतहदा है उसका तो काम है कि जो दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मिल के हल करना, और ये बनाई इसीलिए गई थी। और जब ये बनाई गई है तो बहुत हुआ कि इसको किसी न्यूट्रल जगह पे रखें, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा कि नहीं, न्यूट्रल क्यों, इसको न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर बनाते हैं, हम इसको कंट्रोल करेंगे। वो तो अभी यही कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशन कंट्रोल्ड बाय यूएसए। तो अभी आप देखें ये करारदाद जो पास हुई है इसमें बहुत से ममालिक ने वोट दिए हैं, दो तीन ने मुखालफत की है। ये ऐसी करारदादें तो इससे पहले आप जब से यूनाइटेड नेशन बनी है आप देख लें इस तरह की कई हज़ारों करारदादें हैं, लेकिन उस पर आज तक अमल नहीं हो सका। यूनाइटेड नेशन तो यहाँ तक नहीं कर सकी कि आज तक वो टेररिज्म की जो डेफिनेशन है वो ही नहीं कर सकी कि दहशतगर्दी की डेफिनेशन क्या है। तो आप किस यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं? इस तरह की तो बहुत सी चीज़ें आती हैं, रेजोल्यूशंस आते हैं, सब हो जाते हैं। अभी जिस तरह कहें कि वीटो कर दिया जाएगा, अभी जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की है कि जो अमेरिकन्स ने कहा है कि जी हमने असला दिया या ये चीज़ें की हैं, ये पब्लिक प्रेशर पर की हैं, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आगे उनका इलेक्शन आ रहा है नवम्बर में। तो ये इसलिए जिस तरह शनीला ने कहा है कि स्पेन में वो लोग जो हैं वोट देने उनको देंगे जिन्होंने फ़लस्तीन के हक में बात की है, तो अब इन्होंने ये यू टर्न लिया है चूँकि वो इस वक्त हुकूमत में है। तो रिपब्लिकन का और इनका जो है डेमोक्रेट्स का आपस में बहुत मुकाबला, डेमोक्रेट्स की वहाँ पे हुकूमत है, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो वोटर है वो सब वोटर जो है वो डेमोक्रेट का अब रिपब्लिकन को जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसराइल को वैसे ही सब लोगों को पता है कि इसकी वजूहात क्या हैं, अपने वोट के लिए और अपने लोगों की सिंपथीज लेने के लिए ये काम किया है। दूसरा, आप चाहें कि अगर यूनाइटेड नेशन चाहे तो तमाम मसाइल हल हो सकते हैं, चूँकि फ़लस्तीन एक मुसलमान मुल्क है और इसलिए उसका मसला हल नहीं हो रहा क्योंकि उसके मुकाबले में एक यहूदी मुल्क है जिसको के तमाम दुनिया की सपोर्ट हासिल है, और तमाम जितने भी ज्यूज हैं वो दुनिया पे इस वक्त आप देख सकते हैं कि उनकी इकोनॉमी उन्होंने कंट्रोल की हुई है, वो कोई भी मुल्क हो इसकी वजह। आखिरी बात करके अभी आप देखेंगे ईस्ट तैमूर और जो साउथ सूडान है वो सिर्फ इसलिए आज़ाद हो जाते हैं, उनका मसला जो है एक 6-7 महीने में हल हो जाता है क्योंकि वहाँ पर मुसलमान अक्सरियत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ठीक। सजाद साहब, गजा में इस वक्त इंसानी बहरान जो है वो अपने उरूज को पहुंच चुका है, ह्यूमन कैटास्ट्रफी हम देख रहे हैं कि एक सवालिया निशान है ह्यूमन राइट्स की उन तंजीमों के लिए जो कि हमेशा ह्यूमन राइट्स की बातें करती हैं। मुझे नहीं पता वो कहाँ हैं, वो इस वक्त उनको ना कश्मीरी नज़र आते हैं ना उनको फ़लस्तीनी नज़र आते हैं। हमने खुद देखा कि अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल साहब एंटोनियो गुतेरेस कई दफ़ा इस हवाले से तस्करा करते हुए आपदीदा हुए, ऐसा लगता है जैसे वो खुद भी जो है वो मिन्नत समाजतें कर रहे हों कि रोक दो ये सारा सिलसिला। आलमी बरदरी का जो ओवरऑल रवैया है सर, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखें, ये जो आलमी सियासत है ये तो आलमी सियासत का जो बुनियादी जौहर है वो तो मईशत है, और उसमें ह्यूमन राइट्स बहुत पीछे रह जाते हैं। लोगों के जो मफादात हैं सबके वो मुआशी मफादात हैं, और उसमें बदकिस्मती ये है कि जो इस्लामी ममालिक हैं वो अपनी एक ताकत रखने के बावजूद इंटरनेशनल जो पावर स्ट्रक्चर है उसमें अपना ना तो हिस्सा ले सके हैं ना उसमें अपनी कोई जगह बना सकें। उसमें ये एक लंबी बहस है, लेकिन बात यह है कि ख़ास तौर पे ये जो गज़ा और इज़राइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट है ये पिछले कोई तकरीबन 6-7 दहाइयों से चल रहा है। हमारे वज़ीर ख़ारजा अभी रिसेंटली OIC की जो मीटिंग थी वहाँ से आए, उन्होंने जो ब्रीफ़ किया उन्होंने कहा कि कश्मीर पे और गज़ा पे एक पाकिस्तान ने अभी अपना एक मौक़ दिया, और उन बाकी भी मुस्लिम ममालिक जितने भी थे उन्होंने भी एक ओपिनियन वहाँ पे रखी, और उसमें भी टू स्टेट की वो बता रहे थे इसहाक डार साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम चाह रहे हैं कि जो 50s में एक पोजीशन थी फ़लस्तीन की जिसमें बैतुल मक़दस भी शामिल था वो सारा एरिया फ़लस्तीन को मिलना चाहिए। इस करारदाद में ये हुआ डेफिनेटली कि जो आलमी ज़मीर है जो नेतन्याहू का जुल्म और बर्बरियत थी उसके ख़िलाफ़ एक हमें नज़र आती है एक यूनिटी यूनाइटेड नेशन में, और वो जो ओपिनियन है जिसकी बात शनीला साहबा ने की कि पूरे यूरोप और अमेरिका में एक ओपिनियन अब बन के सामने आ गया है कि जो नेतन्याहू है और इसराइल है वो बहुत बर्बरियत कर रहा है, लिहाजा उसके ख़िलाफ़ ना सिर्फ मज़ारे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में हुए, यूरोप में मज़ारे हुए, और वो अब ट्रांसलेट होगा इलेक्शन में भी। तो डेफिनेटली अमेरिकन्स जो हैं वो अब एक पोस्चरिंग कर रहे हैं
कि वो फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म और ज़्यादती के हक़ में नहीं है। और वैसे भी मैं हमें जो वाइब्स आ रही हैं अब मिडल ईस्ट से वो ये है कि आने वाले दिनों में किसी वक्त भी ये वहाँ पे सीज फायर होता हुआ नज़र आ रहा है और अब चीज़ें नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएंगी, क्योंकि गजा में फलस्तीनियों का बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। और आपने अभी जो इस्लामी मालिक के किरदार की बात की ना सजाद साहब, यही नुकता मैं नौशाद साहब के पास लेके जाऊंगी। नौशाद साहब जरा फरमाइएगा कि इस्लामी मालिक का क्या किरदार है इस वक्त सर, और किस तरह से वो अपनी यूनिटी को शो करके इस मसले को रिजोल्व कर सकते हैं। देखिए यकीनन इसमें कोई दो राय तो हो नहीं सकती कि अगर आप यूनिटी शो करें तो फिर शायद इस मामले के ऊपर आप अपनी ताकत भी शो करने की पोजीशन में हो। लेकिन देखिए OIC हो या अक्वामे मुत्तहिदा हो, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर आपका जो काम करने का तरीका है वो ज़रा मुख्तलिफ है। अभी बात की गई है, देखिए दो तिहाई अक्सरियत से करारदाद जनरल असम्बली में पास हुई है, यकीनन हज़ारों करारदादें और इसराइल के खिलाफ तो बहुत ज़्यादा हैं जिनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। सलामती कौंसिल में भी हैं जो उसके खिलाफ है लेकिन उनके उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। लेकिन इससे जो जो एक दुनिया को मैसेज गया है या जो जो एक राय आमा थी, आप देखिए कि वहाँ पर जो फलस्तीनी रुमाल है वो रेजिस्टेंस की अलामत बन चुका है। आपको वो लोग जो मुसलमान नहीं हैं, गैर मुस्लिम जो हैं, वो आपकी इस गजा की कॉज के साथ जुड़ चुके हैं। और इसी वजह से अगरचे के मैं समझता हूँ अमरीकी सियासत जो है उसके अंदर रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स हो, इससे वो कभी भी जो है वो फलस्तीन की हिमायत में खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ जो सिस्टम है उसके तहत वो फलस्तीन की हिमायत नहीं की जा सकती। लेकिन जो अवामी रिएक्शन है उससे उनके जो अमल के ऊपर जो वो उनकी पॉलिसीज़ हैं उस पर उसका इम्पैक्ट नज़र आना शुरू हो गया है। इसी तरह से जो ये करारदाद है ये वहाँ पे अक़वामे मुत्तहिदा में पास होने के बाद जो जो हमारे इस्लामी ममालिक हैं उनके अंदर इत्तेहाद पैदा हो सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स पे कंट्रोल करें और इस एक कॉज के ऊपर इस कंट्रोल करें, फिर यूनिटी के जरिए यकीनी तौर पे इस मसले को भी हल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया नौशाद साहब आपका, सजाद साहब आपका, इस्लामाबाद स्टूडियो में शनीला मार साहब आपका, डॉक्टर साहब आपका, बाबा गौर साहब आपका बहुत शुक्रिया। तमाम पैनलिस्ट ने मुझे ज्वाइन किया, यकीनी तौर पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू रही, तज्जिए उनके आपने सुने, अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। बाखबर से फिल वक्त इतना ही, नाज़िर खान को इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह के नेकबान। We'll be right back.